दोस्तों, ये रही हमारी पिछली मूवीज पर आई आप लोगों की प्यार भरी कमेंट्स। ऐसे कमेंट्स ही मुझे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और मैं आपके लिए ऐसा यूनिक कंटेंट ला पाता हूँ। आज की मूवी भी बेहद यूनिक मैसेज से जुड़ी है, जो आपको शुरू में तो नहीं समझ आएगा, लेकिन धीरे धीरे मूवी के मिड फेज से जो चीजें आपके सामने आएंगी वो आपके दिमाग को हिलाकर रख देंगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक स्टोरी दिखाई जाती है। हजारों साल पहले हमारे देश में कुछ अजीब सी प्रथाएं हुआ करती थी और उन्हीं में से एक प्रथा थी स्तन टैक्स की। अब आए दिन औरतों को इस बेहद शर्मनाक टैक्स के चलते अपने स्तनों को बिना ढके समाज में उठना बैठना होता था। लेकिन फिर एक दिन नलिनी नाम की एक औरत इस टैक्स से लड़ने का बीड़ा उठाती है। इसके बाद आसपास के सभी बाहुबली उसे इसके लिए काफी टॉर्चर करते हैं, जिसके बाद नलिनी अपने स्तन को काटकर एक केले के पत्ते पर रखकर उन बाहुबलियों के सामने रख देती है। इस चीज का समाज के ऊपर इतना गहरा असर पड़ता है कि इसके बाद स्तन टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, जो असल में कोई टैक्स नहीं बल्कि कुप्रथा थी जिसे टैक्स के नाम पर ढोया जा रहा था। खैर, खून ज्यादा बहने से उस वक्त नलिनी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसका पति भी अपनी पत्नी के वियोग में जलकर खुद को खत्म कर लेता है। इस तरह हमें ये समझ आता है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं को पूरी तरह से आजादी दिलाने में नलिनी जैसी औरतों का भी हाथ है। अगर वक्त के साथ साथ नलिनी जैसी महिलाओं ने समाज का सामना नहीं किया होता, अपना बलिदान नहीं दिया होता, तो शायद हमारा देश आज भी कुरीतियों में फंसा होता। खैर, अब आपको लगेगा कि ये मूवी भी कुछ ऐसे ही मोटिवेशन से भरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मूवी की स्टोरी एकदम अलग है और शुरू में थोड़ी धीमी शुरुआत के साथ धीरे धीरे जिस तरह आगे बढ़ती है उससे हमारे दिमाग के तार हिल जाते हैं। अब यहाँ से हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ हमें एक आदमी दिखता है जो अपने ऑफिस से वापस घर जा रहा होता है। अब अचानक उसके सामने एक धुंध सी छा जाती है और उस धुंध में उसे एक लड़की दिखती है। ये लड़की दिखने में जोकर जैसी लगती है और इसने अपने हाथ में एक हथौड़ा लिया होता है। हथौड़ा लेकर ये अचानक इस आदमी के पीछे भागती है और इस बीच उस आदमी के साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट्स भी होने लगते हैं। लेकिन तभी हमें ये बात पता चलती है कि ये सब असल में एक प्रैंक था। इसके बाद इस मूवी की हीरोइन कामिनी को दिखाया जाता है, जो अपने टीममेट्स सुकुमार, दीपक और गौरी के साथ मिलकर प्रैंक शूट किया करती थी और अपने चैनल की TRP को बढ़ाया करती थी। हम देखते हैं कि कामिनी बहुत ही सीरियस टॉपिक को लेकर ऐसे प्रैंक कर रही होती है, जैसे किसी का मर्डर अटेम्प्ट करना, कभी कोई हॉरर सीन क्रिएट करना या फिर किसी एक्सीडेंट को स्टेज करके हेल्प लेना। फिर कुछ दिन बाद इन लोगों को ये बात पता चलती है कि इनको इस बिल्डिंग को खाली करके दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट होना है, इसलिए इनका बॉस आकर कहता है कि शाम तक सारे काम खत्म कर लो क्योंकि उसके बाद काम को ब्रेक देना है और फिर सारे सामान को एडजस्ट करके यहाँ से दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट भी करना है। इसके बाद हमें कामिनी की माँ लक्ष्मी को दिखाया जाता है, जो कामिनी से कहती है कि क्या लड़कों की तरह घूमती रहती हो, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ऑफिस साड़ी पहनकर जाओ और एक दिन टीवी में न्यूज को पढ़कर सुनाओ, यानी एक न्यूज एंकर बनो। लेकिन कामिनी अपनी माँ की बातों पर ध्यान ही नहीं देती क्योंकि वो फेमिनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। फिर हम देखते हैं कि कामिनी की टीम में जो सुकुमार नाम का लड़का होता है वो कामिनी को मन ही मन पसंद करता है, इसलिए मौका मिलते ही वो उसको प्रपोज करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कामिनी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो लव और मैरिज में यकीन ही नहीं करती। अब जब सुकुमार उसको प्रपोज कर रहा होता है तो दूर खड़े दीपक और गौरी भी सुकुमार को ऐसा करते देख लेते हैं। अब उन दोनों के हाथ में कैमरा होता है, इसलिए सुकुमार इस चीज का सहारा लेते हुए कामिनी से कहता है कि ये सब सिर्फ एक प्रैंक था। अब जिस चैनल के लिए ये चारों काम किया करते थे उसी चैनल में जेनिफर नाम की एक न्यूज एंकर भी काम करती थी। आज जब जेनिफर न्यूज रीडिंग के लिए जाने वाली होती है तभी कामिनी और उसके बीच काम को लेकर कुछ बातें होने लगती है। बातों ही बातों में जेनिफर कामिनी से कहती है कि न्यूज रीडिंग कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें पता है US में एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है नथिंग टू हाइड, वहाँ की रिपोर्टर अपने कपड़ों को एक एक करके ऑफ करती जाती है और साथ में न्यूज को रीड करती जाती है, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? इस तरह जेनिफर उसे थोड़ा उकसाने लगती है। अब कामिनी को तो समाज और दुनिया से कोई लेना देना था नहीं, इसलिए वो इस काम को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कर लेती है। इस बीच वो अपने हाथ पर लिख लेती है नथिंग टू हाइड। इसके बाद जाते जाते जेनिफर उससे एक बार फिर कहती है कि न्यूज रीडिंग तुम्हारे बस की बात नहीं। फिर जब जब न्यूज रीडिंग का टाइम आता है तो उस वक्त किसी को भी जेनिफर कहीं भी नहीं दिख रही होती। समय होने पर बॉस सभी के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि आखिर जेनिफर शो के पहले कहाँ चली गई? क्या किसी ने उसे देखा है? इसके बाद जब बॉस उसको कॉल करता है तो उसका
का फोन उसी की एक फ्रेंड के पास रखा हुआ मिलता है। अब इस बात से बॉस बहुत परेशान हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कामिनी अपने बॉस से कहती है कि सर, मैं इस न्यूज़ को रीड कर सकती हूँ, आप मुझे एक चांस दीजिए। अब पहले तो बॉस काफी सोचता है, लेकिन न्यूज़ तो ब्रॉडकास्ट होनी थी, इसलिए उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था और इस तरह फाइनली वो कामिनी को चांस दे देता है। इसके बाद कामिनी बिना किसी झिझक के बहुत आसानी से न्यूज़ पढ़ देती है और उसे देखकर पूरा स्टाफ हैरान रह जाता है। इसी मोमेंट को कामिनी की माँ लक्ष्मी भी घर पर देख रही होती है, तो कामिनी को साड़ी में बैठकर न्यूज़ पढ़ते हुए देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह लक्ष्मी का सपना पूरा हो जाता है। अब कुछ देर बाद घबराई हुई जेनिफर वहाँ पहुँचती है, लेकिन वो कामिनी को देखकर चैन की सांस लेती है कि आखिर न्यूज़ मिस नहीं हुई। फिर जेनिफर अपने कलीग्स को बताती है कि किसी ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था, इसलिए मैं न्यूज़ रीडिंग नहीं कर पाई। अब आज कामिनी का जन्मदिन भी होता है। फिर दिन खत्म होने के बाद सभी लोग अपने ऑफिस को देखकर भावुक हो रहे होते हैं, क्योंकि कल से उन्हें नए ऑफिस में जाना होता है। उन्होंने इस ऑफिस में करीब 5 साल तक काम किया है, जिससे यहाँ की बहुत सारी यादें उनसे जुड़ी हुई हैं। इसलिए अब सभी मिलकर फैसला करते हैं कि वो आज रात इसी बिल्डिंग में पार्टी करेंगे, और चूंकि आज कामिनी का जन्मदिन भी है तो ये मौका और खास बन जाता है। अब पार्टी के दौरान कामिनी और उसके दोस्त मस्ती करने लगते हैं, तभी कामिनी की माँ का फोन आता है, जो उससे पूछती है कि रात के 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई। तो कामिनी अपनी माँ को बताती है कि आज कुछ काम है, इसलिए वो शायद कल सुबह ही आ पाएगी। हालांकि कामिनी की माँ को उसकी बात अच्छी नहीं लगती, तो फिर कामिनी अपनी माँ से कहती है कि क्या माँ, आपको ही न्यूज़ रीडिंग का काम पसंद था, इसलिए मैंने ये काम चूज किया। आप जानती हो, आपके मन की वजह से मैंने आज जेनिफर को बाथरूम में बंद कर दिया था, ताकि मुझे न्यूज़ रीडिंग का मौका मिल सके, फिर भी आप मुझे काम नहीं करने दे रही। अब गलती से कामिनी के मुँह से ये सच्चाई निकल ही जाती है, जिसे पास बैठी जेनिफर सुन लेती है। जेनिफर ये सुनने के बाद गुस्से में आ जाती है। इस बीच वो कामिनी से ये भी कहती है कि अपना चैलेंज तुम फिर भी हार गई, क्योंकि मैंने कहा था कि न्यूज रीडिंग के वक्त वो रिपोर्टर अपने कपड़ों को उतार दिया करती थी। अब नशे में टल्ली कामिनी इस बात को भी चैलेंज कर देती है और अपने कपड़े निकालने लगती है। तभी सुकुमार आकर उसे ऐसा करने से रोकता है और इसके बाद जेनिफर और कामिनी में हाथापाई हो जाती है। अब ठीक इसी मोमेंट पर हाथापाई के दौरान सभी लोगों को एक अजीब तरीके का भ्रम होने लगता है, जैसे वो सभी हवा में उड़ रहे हों। लेकिन बाद में आकाश इन लोगों को बताता है कि मैंने ड्रिंक में मैजिक मशरूम को मिक्स किया हुआ है, ये एक ऐसा मशरूम है जिसके इस्तेमाल से ऐसे ही भ्रम होने लगते हैं। तो इस तरह लड़ाई झगड़ा शांत होता है और सब वहीं पर टल्ली हो जाते हैं। और दोस्तों, यहां से मूवी होती है इंटरेस्टिंग। अब अगले दिन सुबह होती है और हम देखते हैं कि कामिनी अब भी उसी बिल्डिंग में मौजूद है। इस वक्त वो गहरी नींद में सो रही होती है और थोड़ी देर बाद जब वो जागती है तो उसे एहसास होता है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। ये देखकर वो अचानक से घबरा जाती है और फौरन अपने दोस्तों को आवाज देने लगती है, लेकिन इस बिल्डिंग में कबूतरों के अलावा कोई भी नहीं होता और बिल्डिंग पूरी तरह से खाली होती है। अब वो उठकर इधर उधर अपने कपड़े ढूंढने लगती है, खासकर वहाँ पर जहाँ कल रात पार्टी हुई थी, लेकिन उसे वहाँ भी अपने कपड़े नहीं मिलते। अब धीरे धीरे कामिनी को कल रात की घटनाएं याद आने लगती हैं और उसे शक होता है कि नशे की हालत में शायद उसने खुद ही अपने कपड़े उतार दिए होंगे, या फिर ये जेनिफर की कोई साजिश हो सकती है जो उसे परेशान करने के लिए की गई हो। हो सकता है कि वो उसे बदला लेना चाहती हो। इसके बाद कामिनी इधर उधर भटककर कुछ न कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करती है जिससे वो अपने बदन को ढक सके, लेकिन इस बिल्डिंग में उसे एक कागज का टुकड़ा तक नहीं मिलता। इसी बीच उसे एक कांच का ग्लास दिखाई देता है, जिसे वो तोड़कर अपने शरीर को ढकने की कोशिश करती है। इसके बाद वो बिल्डिंग की छत पर जाती है ये देखने के लिए कि शायद वहाँ उसके कपड़े रखे हों। अब इस बिल्डिंग के ठीक सामने एक सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, जिसका एक एम्प्लॉई इसी बिल्डिंग की तरफ देख रहा होता है। तभी उसे लगता है कि इस खाली बिल्डिंग के अंदर कोई है, इसलिए वो अपना फोन निकाल कर इस सब को शूट करने लगता है। इसके बाद उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उस बिल्डिंग में कोई ना कोई जरूर है। तभी अचानक ऊपर जाते जाते गलती से कामिनी के हाथ से कांच का टुकड़ा गिरकर टूट जाता है। फिर किसी तरह से वो बिल्डिंग का दरवाजा खोलती है और नीचे जाकर पानी पीती है और खुद को थोड़ा शांत करती है। अब वो सामने वाला एम्प्लॉई उस बिल्डिंग में ये देखने आता है कि क्या सच में वहाँ कोई लड़की है या ये सब उसका भ्रम था। इसके बाद जब वो बिल्डिंग में दाखिल होता है तो कामिनी तेजी से भागकर अपने ऑफिस में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। अब वो आदमी दरवाजे तक पहुंचकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होता है। तभी उस आदमी के फोन पर उसके बॉस की कॉल आती है, जिसमें उसे तुरंत कहीं और बुलाया जाता है। ये कॉल अटेंड करने के बाद आखिर में वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब कामिनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसे डर लगने लगता है और वो इधर उधर बिल्डिंग में
में घूमने लगती हैं। बहुत ढूंढने पर आखिरकार उसे अपने फोन का पता चलता है जो एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था। फिर जब वो अपना फोन चेक करती है तो देखती है कि उसकी माँ कॉल कर रही है, क्योंकि कामिनी कल रात से घर नहीं गई थी। लेकिन कामिनी अपनी माँ का फोन रिसीव करने के बजाय अपने एक दोस्त को कॉल करने की कोशिश करती है, पर इत्तेफाकन उसके फोन में बैलेंस ही नहीं होता। ये देखकर कामिनी अब बेहद परेशान हो जाती है। अब वो कस्टमर केयर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन सारे नंबर व्यस्त होते हैं। फिर बहुत कोशिश करने के बाद आखिर में एक टेलीकॉलर उसका फोन उठाती है। अब कामिनी उसे अपनी स्थिति समझाकर मदद मांगती है और कहती है कि तुम भी एक लड़की हो, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे फोन में रिचार्ज करवा दो, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगी, मैं बहुत ही अजीब सिचुएशन में फंसी हुई हूँ। लेकिन टेलीकॉलर उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उल्टा उसे सलाह देती है कि वो नजदीकी सेंटर पर जाकर रिचार्ज करवा ले। कामिनी को बहुत घबराहट होती है क्योंकि उसकी माँ उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी। इस बीच बिल्डिंग में कामिनी को फूड डिलीवरी कंपनी का एक पैम्पलेट दिखाई देता है, जिसके टोल फ्री नंबर पर वो कॉल करती है। वो खाना ऑर्डर करते हुए उनसे कहती है कि अगर आपके पास कोई महिला डिलीवरी कर्मचारी है तो प्लीज उसे भेज दीजिए। लेकिन डिलीवरी वालों के पास कोई लड़की नहीं होती, इसलिए वो कहते हैं कि लड़का ही डिलीवर करने आएगा। इस तरह खाना ऑर्डर करने के बाद कामिनी अपने मोबाइल में सबवे सर्फर खेलने लगती है, ताकि वो अपने दिमाग को शांत रख सके। इसके साथ ही साथ वो अपनी सेफ्टी के लिए एक आयरन रॉड और एक आयरन पाइप को अपने पास रखती है। अब थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय आता है और कामिनी सोचती है कि उसे बेहोश करके वो उसके कपड़े पहन लेगी, ताकि वहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन जैसे ही कामिनी दरवाजा खोलती है तो डिलीवरी बॉय बेहोश होकर खुद नीचे गिर जाता है, साथ ही वो खून से थोड़ा लथपथ हो जाता है। अब ये देखकर कामिनी को गहरा झटका सा लगता है और डर के मारे उसके हाथ से वो लोहे का पाइप भी गिर जाता है। अब घबराई हुई कामिनी दरवाजे के बाहर झांकती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर जब कामिनी डिलीवरी बॉय को सीधा करती है तो उसे पता चलता है कि वो असल में लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी जो खुद डिलीवरी करने आई थी। ठीक उसी समय अब दो चोर इस बिल्डिंग में घुस जाते हैं, जिनका मकसद वहाँ की चीजें चुराना होता है। अब कामिनी उस डिलीवरी गर्ल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की होश में आकर तुरंत कामिनी का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर घबराई हुई कामिनी उसे बेहोश करने के लिए उसके सर पर वार कर देती है। उसको खुद नहीं पता होता कि वो क्या करे और क्या नहीं। इसी बीच वो दोनों चोर वहाँ पहुँच जाते हैं और उस लड़की को देखकर उन्हें लगता है कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया है। ये देखकर कामिनी फौरन छिप जाती है और चोर उस लड़की के पास जाकर पुलिस को फोन करते हैं। फिर कुछ ही देर में वहाँ पुलिस और मीडिया पहुँच जाती है। अब पुलिस इंस्पेक्टर अपने जवानों को बिल्डिंग की अच्छी तरह से तलाशी लेने का आदेश देता है। कामिनी इस दौरान छुपी रहती है और किसी तरह पुलिस से बचने की कोशिश करती है। फिर थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस भी वहाँ पर आ जाती है और जब नर्स लड़की की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि वो मरी नहीं है बल्कि सिर्फ बेहोश है। इसलिए अब लड़की को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अब कामिनी ऊपरी मंजिल पर छिपी रहती है और फिर जब रात हो जाती है तो वो धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करती है। जैसे ही वो नीचे आती है तो उसे दो कांस्टेबल खड़े हुए नजर आते हैं। दरअसल इंस्पेक्टर ने उन्हें वहाँ रात भर बिल्डिंग की निगरानी करने के लिए तैनात किया था, ताकि अगर कोई आसपास छुपा हो तो नजर आ सके। अब कामिनी उन्हें देखकर सोचती है कि शायद उन पुलिस वालों से मदद मांगी जा सकती है। लेकिन इसी बीच उनमें से एक सीनियर कांस्टेबल हल्का होने के लिए बाथरूम में आता है और वहां आकर उल्टा पोर्न देखने लगता है। ये देखते ही कामिनी का पर्सपेक्टिव बदल जाता है और वो मदद के बारे में सोचती भी नहीं। इसके बाद दोनों कांस्टेबल्स को ये ऑर्डर मिलता है कि वो बिल्डिंग को छोड़कर वापस पुलिस स्टेशन आ जाएं। इसलिए अब दोनों वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन बिल्डिंग के बाहर जाने के बाद सीनियर कांस्टेबल को शक होता है कि बिल्डिंग में शायद कोई मौजूद है, इसलिए वो वापस आकर बिल्डिंग की जाँच करने लगता है और सभी लाइट्स ऑन कर देता है। इस बीच कामिनी छिपने के लिए एक कोने में जाकर बैठ जाती है, जिससे कांस्टेबल उसे नहीं देख पाता। अब वो काफी ढूंढता है, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो बिल्डिंग की जांच करने के बाद दरवाजा बंद कर चला जाता है। अब पुलिस के जाने के बाद कामिनी को सुकुमार का फोन आता है। जब वो फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि सुकुमार, आकाश, गौरी और दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जब वो चारों पार्टी के बाद एक ही बाइक पर अपने अपने घर जा रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ लिया था। अब कामिनी उस पुलिस वाले की बात सुन रही होती है कि तभी कामिनी के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो फिर से एक बार हेल्पलेस हो जाती है।
दरअसल इस बीच वो उस पुलिस वाले को सब कुछ बता सकती थी, लेकिन उसे डर था कि बताने पर शायद वो कांस्टेबल ही वापस ना आ जाए और फिर कहीं उसका एडवांटेज ना उठा लें। इसके बाद कामिनी दरवाजे का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक होता है। पर इसके बावजूद वो किसी तरह उस दरवाजे को खोलने में सफल हो जाती है, लेकिन ये सब करते हुए उसके हाथ पर चोट भी लग जाती है। अब रात के समय वो धीरे धीरे उस बिल्डिंग से बाहर निकलती है और सबसे पहले वो कपड़े और खाना ढूंढने के लिए एक डस्टबिन के पास जाती है, लेकिन गली के कुत्ते उसे वहाँ देखकर भौंकने लगते हैं, जिस वजह से डर के मारे कामिनी वापस उसी बिल्डिंग में भाग आती है और इस दौड़ में वो फिर से चोटिल हो जाती है। हालांकि कुत्ते उसे नहीं छोड़ते और बिल्डिंग के अंदर तक उसका पीछा करते हैं, जिससे उसकी हालत और खराब हो जाती है। अब बाकी कुत्ते तो चले जाते हैं, लेकिन एक कुत्ता उसका पीछा फिर भी नहीं छोड़ता, इसलिए उससे बचने के लिए वो एक बाथरूम में जाकर छुप जाती है। अब वो कुत्ता अभी भी बाहर कामिनी का इंतजार कर रहा होता है। अपनी इस हालत को देखकर कामिनी को बहुत अफसोस होता है और वो अपनी माँ और उनकी बातों को याद करने लगती है। उधर कामिनी की माँ उसके कल से नहीं लौटने के कारण थककर पुलिस स्टेशन जाती है ताकि शिकायत दर्ज करवा सके, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद उसे बैठा लिया जाता है और कोई ठीक से सुनवाई नहीं करता। वहीं कामिनी अब बाथरूम में जाती है, जहाँ उसे एक टिश्यू पेपर मिलता है। अब वो उस टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके खुद को पूरी तरह से लपेट लेती है और वहाँ से निकलने का फैसला करती है। फिर वो अपने हाथ में एक रॉड लेकर धीरे धीरे उस बिल्डिंग से बाहर आती है। अब उस वक्त बारिश हो रही होती है और इस बीच उसे एक आदमी दिखता है, जिससे वो फौरन मदद मांगती है। उसे ऐसे देखकर वो आदमी उसे कुछ कपड़े दे देता है, लेकिन जैसे ही कामिनी उन कपड़ों को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि असल में ये कपड़े खुद उसके ही थे, जिनको वो कल से ढूंढ रही थी। अब वो उस आदमी की तरफ ध्यान देती है, लेकिन इसी बीच पुलिस की एक गाड़ी भी वहाँ से गुजरने लगती है। पुलिस को देखकर वो आदमी डर के मारे वापस बिल्डिंग में चला जाता है। इसके बाद कामिनी को एहसास होता है कि वो आदमी असल में वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले फूड डिलीवरी करने आई थी। अब नलिनी को देखकर कामिनी उससे पूछती है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों चुराए, तुमने ही ये सब किया है क्या, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो अब यहाँ नलिनी अपनी कहानी बताने लगती है। दरअसल नलिनी एक दूर के गांव की रहने वाली थी और उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी और बहुत मेहनत करती थी। बड़ी मुश्किल से वो शहर पढ़ाई करने आती थी। उसके दो एग्जाम्स क्लियर हो चुके थे और एक दिन उसका आखिरी एग्जाम था। फिर एक दिन नलिनी जब उस एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर जा रही थी तो उसने कामिनी को देखा, जो खून से लथपथ लोगों की मदद मांग रही थी। ये देखकर नलिनी फौरन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाती है और आसपास के लोगों से भी मदद के लिए कहती है, लेकिन कोई भी नलिनी की मदद के लिए आगे नहीं आता। अब ये सब असल में कामिनी का प्रैंक होता है, जिसमें उसके टीम मेंबर्स भी शामिल होते हैं। धीरे धीरे बाकी टीम मेंबर्स भी इस प्रैंक का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जब सभी को लगता है कि नलिनी उस प्रैंक को और कामिनी को लेकर ज्यादा ही सीरियस है, तभी कामिनी उसको फोन निकाल कर कहती है कि चलो स्माइल करो और घबराओ मत, ये सब सिर्फ एक प्रैंक था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये देखकर नलिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इस सब के चक्कर में उसका एग्जाम का समय भी निकल जाता है। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है, जहाँ नलिनी कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे एग्जाम का एक साल तक वेट करना होगा। मेरी माँ की मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन इस बार मैं उनकी वो उम्मीद पूरी नहीं कर पाऊंगी। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसी वजह से नलिनी ने कामिनी से बदला लिया होगा, लेकिन यहाँ आता है इस मूवी का क्लाइमेक्स। नलिनी कहती है कि मुझे उस वक्त तुम पर इतना गुस्सा नहीं आया था, क्योंकि वो बात मुझ तक सीमित थी और मैं आने वाले साल में ये एग्जाम भी क्लियर कर लूंगी। तो कामिनी पूछती है, तो फिर क्या बात है, तुमने मुझसे किस चीज का बदला लिया। इस तरह अब नलिनी उसे एक चीज और बताती है, जो इस सब की असली वजह थी। वो बताती है कि एक दिन जब मैं और मेरी माँ किसी काम से शहर आए थे, जब मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, बीच रास्ते में वो चक्कर खाकर गिर गई थी और मैं बहुत घबरा गई थी। इसी घबराहट में मैंने लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर जैसे तैसे एक आदमी आया, तो उसे वो सब प्रैंक लग रहा था, इसलिए वो ये कहकर चला गया कि ये
प्रैंक है, मैं इसमें नहीं फंसने वाला। उसे देखकर बाकी लोगों ने भी मेरी मदद नहीं की, लेकिन आखिरकार बहुत कुछ कहने के बाद कुछ लोग आते हैं और मेरी माँ को बचा लेते हैं। अब ये घटना नलिनी के लिए एक बड़ा सदमा साबित होती है। यानी आजकल का समय ऐसा है कि सोशल मीडिया और प्रैंक के चक्कर में क्या सच है और क्या झूठ ये पता ही नहीं चलता। वेल, इसके बाद नलिनी गुस्से में कामिनी को बताती है कि जो तुमने मेरे साथ किया उसको प्रैंक नहीं कहते। प्रैंक वो होता है जिसमें हम किसी अपने जानने वाले को प्रैंक करते हैं, लेकिन जब हम वही सब कुछ किसी अनजान आदमी के साथ करते हैं तो वो प्रैंक नहीं टॉर्चर होता है, और तुमने मेरे साथ जो किया वो टॉर्चर था। फिर नलिनी ये बात भी बताती है कि एक समय था जब एक औरत अपने स्तनों को छुपाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी, और आज हम औरतें कहीं ना कहीं उसकी कर्जदार हैं। हमें जरूरत है कि हम खुद को उन बुराइयों से दूर रखें जो हमारे लिए खतरा हैं। अगर समाज में कुछ बुराइयां हैं तो हमें उन्हें दूर करना चाहिए, ना कि उनका दूसरा हिस्सा बन जाना चाहिए। अगर तुम सच में किसी की मदद करती तो तुमको शायद उस खुशी का अंदाजा होता। ये प्रैंक की खुशी तो बस एक झूठा दिखावा है, मेरी बात याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि नलिनी उसी शहर में एक डिलीवरी गर्ल का काम कर रही थी, और इसी बीच उसने एक दिन कामिनी को देखकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करने के बाद वो पार्टी में पहुंची, जहां सब पार्टी में पीकर टल्ली पड़े थे। वही मौका नलिनी को चाहिए था। पहले वो पूरी बिल्डिंग के सारे पेपर्स को जला देती है और डस्टबिन में फाड़कर फेंक देती है। फिर कामिनी के कपड़े उतारकर अपने पास रख लेती है और फिर खुद भी जाकर छिप जाती है ताकि देख सके कि आखिर कामिनी क्या कर रही है। फिर जब मूवी के मिड फेज में कामिनी ने खाने का ऑर्डर किया था तो उस वक्त नलिनी ने बाहर आकर उस डिलीवरी बॉय से खाना अपने पास ले लिया था और अपने पास एक ब्लड का पैकेट भी रख लिया था। फिर जब नलिनी वहाँ पहुँची तो वो जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करती है। वो कहती है कि जिस तरह तुमने मेरे साथ प्रैंक किया ठीक वैसे ही मैंने भी तुम्हारे साथ प्रैंक किया, लेकिन तुम्हें याद है मैंने उस प्रैंक में तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की थी, जबकि तुमने तो उल्टा मेरे सर पर रॉड मारकर मुझे बेहोश कर दिया। अब ये बातें धीरे धीरे कामिनी के दिमाग में आने लगती हैं और उसको अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो नलिनी को देखती है और आंखों ही आंखों में उससे दिल से माफी मांगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कामिनी अब प्रैंक शूट करने की जगह बड़े लोगों और कंपनीज के स्टिंग ऑपरेशंस करने लगती है ताकि उनके काले कारनामों को दुनिया के सामने ले आए। साथ ही वही नलिनी अपने एग्जाम्स की अच्छी तरह से तैयारी करने में लग जाती है, और इसी के साथ मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, यूट्यूब पर कुछ लोग हैं जो प्रैंक करते रहते हैं, लेकिन एक हद तक तो सब कुछ ठीक लगता है। उसके बाद जब चीजें समझ से बाहर होने लगती हैं और प्रैंक जिस आदमी के साथ हो रहा है और जब बात उसके बर्दाश्त से बाहर जाने लगती है तो अच्छा नहीं लगता। कभी भी किसी चलते फिरते आदमी पर बर्फ डाल देते हैं, कभी किसी पर कूड़ा डाल देते हैं, कभी किसी को धक्का दे देते हैं, और ये सब अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, मैं भी यही कहूँगा कि कोई भी मजाक एक हद तक ठीक रहता है। जरूरत से ज्यादा मजाक कब सीरियसनेस में बदल जाता है पता नहीं चलता। खैर, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस मूवी को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन, अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।